Will do, man. He's on the way. नो 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 नो, शायद तुझे पता नहीं कि मैं कौन हूं। अमीर बाप की एक बिगड़ी हुई औलाद राहुल। He knows me। फिर भी तेरी इतनी हिम्मत। जब अपने देश की लड़की पराए देश में आपसे मदद मांगे तो उसकी मदद करनी चाहिए ड्यूड। क्या मतलब? मुझे मारेगा? इससे बात उलझेगी, सुलझेगी नहीं। दो चार मिनट अच्छे से बात करेंगे, सोल्यूशन निकल आएगा। क्यों? तेरे ये भाड़े के टट्टू मरने मारने के लिए तैयार लग रहे हैं, पर सुन ले, सबसे पहले मैं इसकी धुलाई करूंगा, एक पंच मारूंगा और हवा में उड़ते हुए ठीक 5 सेकंड बाद मुक्केबाल गिरेगा। इससे उस हीरो को जोश आ जाएगा, वो मेरी तरफ मुझे मारने आएगा, मैं उसे एक किक मारूंगा और वो उड़ता हुआ जाके दीवार से टकराएगा। अब तेरे पीछे खड़ा ये पहलवान चुप नहीं बैठेगा। इसके डोले अच्छे हैं, लेकिन ये बेचारा शायद नहीं जानता कि बॉडी हो ना हो, दिमाग होना ज्यादा जरूरी है। बस एक हाथ और ये भी आउट। उसके बाद तेरे बाकी के चमचे बिना दिमाग पर जोर डाले मेरी तरफ बढ़ेंगे, मुझे मारने के लिए। तुझे लग रहा होगा कि मैं सिर्फ बातों का शेर हूं, देखना चाहता है शेर में कितना दम है। ये गई तेरी गाड़ी 12 के भाव में, अब समझा मैं क्या कर सकता हूं। इसी झगड़ा छोड़ और प्यार को गले लगा, क्या बोलता है? प्यार लो प्यार दो। थैंक्स अ लॉट, आई एम मानसा। हाय, आई एम जय। आप नहीं होते तो पता नहीं आज क्या होता। जाने दो, तुम मुंबई क्यों? नहीं, मैं कोलाड से हूँ, हैदराबाद से थोड़ी ही दूर है। अच्छा, कोलाड। एनीवे, जो हुआ उसे भूल जाओ और आगे बढ़ती रहो। गुड नाइट, कीप स्माइलिंग। तुझे उस लड़के से मिलके एक हफ्ता हो चुका है, लेकिन तू है कि उसे भूल ही नहीं पाई। तू उसके बारे में ऐसे ही सोचती रहेगी। यू नो अबाउट बॉयज, वो तुझे दोबारा देखेगा ना तो पहचानने से भी इनकार कर देगा। लड़के ऐसे ही होते हैं, भूल जाओ उसे। ये वही है क्या
तुम यहाँ क्या तुम यही रहती हो? उस रोज रात का वक्त था, मुझे ठीक से याद भी नहीं है। तुमने थैंक्स भी कहा था, राइट? यस। तुमने अपना नाम क्या बताया था? नाम मानसा। मानसा, राइट? हाँ, इसे कहते हैं इत्तफाक। मेरी बाइक बिल्कुल तुम्हारे घर के सामने आके बंद पड़ती है। फनी, राइट? रियली फनी। ऑन वन सेक। गुड। सो व्हाट्स अप? अच्छा फेंका, बाइक तो स्टार्ट हो गई। बाइक अचानक स्टार्ट हो गई। अजीब बात है ना? ऐसे में सब कुछ अचानक ही होता है। Hi girls, I'm Jay. पता है तुम्हारा नाम जय है, हम तुम्हें जानते हैं। तुम हो मिस्टर प्यार दो प्यार लो। तुमने इन्हें मेरे बारे में बता दिया ना? That's really cool. कॉफी? जाओ, सिर्फ कॉफी पीना और कुछ नहीं। Come on girls. सही, बाइक भी एकदम ठीक हो गई। Some other time. लगता है ये अभी तक यही है। हाय 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 गर्ल्स। कॉफी का आइडिया बेकार था, मैं भी ना। डिनर? क्यों ना हम डिनर साथ करें? सॉरी जय, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, रूम भी साफ करना है। सम अदर टाइम। सम अदर टाइम? नो टाइम बेबी। सुषमा, मैंने तुम्हें इसे वहां रखने के लिए कहा था इससे पहले कि मानसा आए। रख दो। मानसा, इतनी देर से क्यों आई हो? कम ऑन। पूरा घर साफ हो गया, तुम्हारा कमरा भी चकाचक हो गया। जाके फ्रेश हो गया, उसके बाद हम तुम्हारा मनपसंद चाइनीज खाना खाएंगे। सॉरी मनु, साफ सफाई में इसका कोई जवाब नहीं, पूरा घर चमका डाला। इसलिए बदले में मैंने इसे कुछ सीक्रेट्स बता दिए। हाँ, तुम्हें चाइनीज खाना पसंद है, वाइट रंग के पपीज पसंद है और एआर रहमान का म्यूजिक पसंद है। कसम से, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं पता। गेट रेडी मानसा, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, खाना ठंडा हो जाएगा। मजा आ गया डिनर पे। गुड नाइट, बाय बाय। कल का क्या प्रोग्राम है? कल हम लोग बीच पे जा रहे हैं, बड़ा मजा आएगा। अगर तुम चाहो तो तुम भी चल सकती हो। एक्चुअली हाँ, समझ गया। सम अदर टाइम। खैर, मैं सुबह तुम्हारे घर के नीचे से गुजरूंगा। इफ यू वांट टू कम यू कैन कम, सुबह 7 बजे। बाय बाय। मजा आया? नहीं जय, सबसे हसीन पल है। काश ये पल यहीं रुक जाए, ऐसा हो सकता है? ये तो हम पर निर्भर करता है, क्योंकि हमारी जिंदगी हमारे ही हाथों में है। नहीं जय, मेरी जिंदगी किसी और के हाथों में है। मेरी फैमिली, मेरा गांव, वहां के लोग बहुत ही अलग हैं। उन्हें सिर्फ खून बहाना आता है, प्यार क्या है, रिश्तों की अहमियत क्या है, उन्हें नहीं पता। यही बड़ी बात है कि उन लोगों ने मुझे पढ़ाई के लिए यहाँ भेजा। ये इज्जत पूरी करने के बाद मुझे नहीं लगता कि वो लोग मेरी कोई और बात मानेंगे। लेकिन तुमसे मिलने के बाद पहली बार मुझे ये एहसास हुआ कि खुशी क्या है। पर मैं चाह के भी खुश नहीं रह सकती। तो खुश होके जीने में दिक्कत क्या है मनसा? जब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगी खुश रहूंगी, लेकिन मैं अपनी ये खुशी अपने साथ घर नहीं ले जा सकती हूँ। मैं ऐसे सपने नहीं देखना चाहती जय, जो कभी सच ना हो। मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहती, इसीलिए मुझसे दोबारा मत मिलना।
आजकल लोग इंडिया से फॉरेन पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन तुम तो फॉरेन से यहाँ पढ़ने के लिए आए हो। कहानी बहुत लंबी है सर। एक सवाल ही तो पूछा था एग्जाम में साले, बताने को क्या हुआ? इससे दूर ही रहना, ये एक नंबर का गुंडा है। पिछले हफ्ते इसने मेरी भी बहुत धुलाई की थी। अगर अपना भाई फेल हो गया ना तो भाई तुझे और मारेगा। ये पूर्णा की शान पट्टी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कॉलेज में हमसे कोई भी नहीं डरेगा। अब तो उसको खर्चा पानी देना ही पड़ेगा। ए तू एक काम कर, वो जंग लगी तलवार में धार लगा डाल। आज रात 12:56 में वो यमराज से मिलेगा। नारंगी मौसम भी कुछ भी पिला। उसको टपकाने के बाद हम लोग कॉलेज से 4 दिन की छुट्टी लेंगे और तू कौन है बे? अबे कोई भी होने देना। पूर्णा को मेरे हवाले कर दो, उसे मैं संभाल लूंगा। ए, मैं उसका घुटना तोड़ने आया और तोड़ के जाऊंगा, तू अपनी टांग मत घुसा। नहीं, मैं तुम्हारी बात समझ गया, एक मिनट रुको। टॉस करते हैं, जो भी टॉस जीतेगा वो पूर्णा की धुलाई करेगा। ए, इधर क्या मैच चालू है जो तू टॉस करेगा? आज पूर्णा का आखिरी दिन है। ए, मोटू पहलवान, ज्यादा गर्मी मत दिखा। चल एक काम करते हैं, हम दोनों आपस में लड़ते हैं, जो भी जीतेगा वो पूर्णा की धुलाई करेगा। अब जब फैसला हो ही गया है तो मुझे पूर्णा की धुलाई करने दो ना। तुम्हें देखकर ये बिल्कुल नहीं लगता कि तुम इतनी अच्छी धुलाई करते हो। तुम हमारे साथ दोस्ती कर लो, हम तुम्हारे पचड़े में कभी टांग नहीं अड़ाएंगे। पूर्णा की धुलाई तुम करो, हम चलते हैं। नमस्ते, भूल चूक माफ। हा? ये सिक्का निकाल के जेब में डाल, फोन करने के काम आएगा। अरे डूड्स। जी भाई। कल कहीं पूर्णा को छोड़ के तुम सब मेरे पीछे मत पड़ जाना। इतना टाइम कहाँ है, कल मेरा एंट्रेंस एग्जाम है और मेरे को कुछ भी नहीं आता है। अबे ओए, वो मिट्टी के पहलवान को साथ ले ले और चल। थैंक्स बॉस, कल कुछ ज्यादा ही पीली थी, अगर तुम वक्त पर नहीं आते तो बहुत पिटाई होती। ये वही है ना? इन्हें कैसे पता होगा, ये खुद भी तो टल्ली थे। वैसे यार तुम्हारा भी जवाब नहीं, तुम्हें पता था वो लोग तुम पे अटैक करेंगे, फिर भी तुम टल्ली होके सो गए। बॉयज तुम्हें तो अलर्ट होना चाहिए था। टल्ली होने के बाद खाक अलर्ट होते। चुपे। अगर उन लोगों ने भाई को टच भी किया होता तो उनकी बोटी बोटी काट डालते। तुम लोग भाई का कचरा करना चाहते हो? वो इस डर में बैठे रहेंगे कि पूर्णा उन पे अटैक करने वाला है, डर से उनकी हालत पतली हो जाएगी, वो ना तो चैन से बैठ पाएंगे ना सो पाएंगे, और यही तो हमें चाहिए। तुम्हें कुछ नया ट्राई करना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम है क्या? मुझे तो हॉस्टल में एडमिशन नहीं मिला है। ठीक है, मेरे साथ चलो। चलो दरवाजा बंद कर लो, कोई घंटी बजाए तो भी मत खोलना, यहाँ तक कि मैं भी। इसे देखो, इतना बड़ा घर है और मेरी साली बाहर बैठकर नाखूनों को चूना लगा रही है। अंदर जा। बाप रे, यमराज आ गया, इससे पहले कि वो बुरी नजर डाले तुम दोनों अंदर जाओ। और वीर प्रताप ऑफिस जा रहे हो? हाँ। ये मेरा दोस्त जय। कैसे हो? ये है वीर प्रताप। वीर प्रताप नहीं, अब मेरा नाम सिर्फ गंभीर प्रताप है। वीर प्रताप पहले था, जब से ये घर में आए वीर कट गया, प्रताप रह गया। वो देखिए नेम प्लेट पे। हाँ तो पहले चाय पिला फिर जा। चाय? मेरा बैंक जाने का वक्त हो रहा है। चाय मैं बनाती हूँ, आप ऑफिस चले जाइए। जीजू। क्या बोली? चाय मैं बनाती हूँ, आप ऑफिस चले जाइए। तू चाय बनाएगी? चाय मैं बनाऊंगा, कॉफी भी बना दूंगा, अगर ये कहें तो खाना खिला दूंगा, नहला दूंगा। तू अंदर जा, फिर सामने मत आना, बोला ना, चल अंदर जा। बाथरूम के पास जगह खाली है, तू वहाँ जाके सो जा। अरे इसको वहाँ कहाँ सुला रहा है, एक काम कर तू ही वहाँ जाके सो जा। तीन चौ, ये लीजिए चाय। थैंक यू।
पैर हटाएंगे, चाय रखनी है। ये तो बोरिया बिस्तर लेकर आया है। किराए का 5,000 और खाने पीने का 2,000 एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा काहे के लिए? जगह तो बहुत खाली पड़ी है। अगर कोई फ्लाइट खाली जा रही है और तुम उसमें सफर करना चाहते हो तो तुम्हें टिकट के पैसे तो देने पड़ेंगे ना कालिया भाई। यहाँ भी मामला ऐसा ही है। अरे प्रताप। हाँ भाई। कल मेरा बर्थडे है, अपनी साली को लेके आ जाना पार्टी में। ओके भाई, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे भाई। मैंने विश कर लिया, तुझे करने की जरूरत नहीं है। हैप्पी बर्थडे पूर्णा। सॉरी, इसने धक्का दिया। इट्स ओके। थैंक यू। आजकल लड़कियों को धक्का दो तो उन्हें बुरा नहीं लगता। अबे सॉरी, उसने धक्का दिया। इट्स ओके। ओ सुंदर। हाय। मैं अभी आया। ओके बाय। चलिकल। इसने धक्का नहीं दिया, इसने तो चाटा मारा। तुमने देखा ना जय, यहाँ भी वीरू की धुलाई हो रही है। आप उस घर के मालिक हैं, फिर इतना डरते क्यों उनसे? अब क्या बताऊँ, पहले मैं शेर हुआ करता था, अब पाव शेर हो गया हूँ। भाजी पूरी। ये क्या है? सिगरेट का टुकड़ा। ये यहाँ क्या कर रहा है? कहीं जगह नहीं मिली इसलिए फेंक दिया। इसलिए यहाँ फेंक दिया? जानता है ना ये किसका घर है? ये तेरे बाप का नहीं है, SBI मैनेजर वीर प्रताप का घर है। और वीर प्रताप का मतलब जानता है तू? अबे मैं भी नहीं जानता। सुन, अब से इस घर में सिगरेट का टुकड़ा या धुआं नजर आया तो वीर प्रताप की वीरता बाहर आएगी और तू बाहर जाएगा। पिक्चर यहीं खत्म नहीं हुई, आगे देख। ये क्या है? बियर बॉटल। बियर बॉटल? अच्छा, मुझे लगा कि ये दूध की बोतल है जो तू रात को सोते हुए पीता है। ए! आंखें मत दिखा, फोड़ दूंगा। फूट ऊपर। सच में आपने ऐसा किया? करना पड़ा बंधु, साली के लिए। अगर वो बहक कर मेरी साली के साथ बदतमीजी करता तो मैं किसको किसको मुंह दिखाता। साली को तो कुछ पड़ी नहीं है, मुझे पड़ी है, इसलिए मैं चुप नहीं बैठा, कंटिन्यू किया। आगे देखो। है रात के उल्लू, टाइम क्या हुआ है? रात के सिर्फ 2:15। दू क्या काट के नीचे? रात के सिर्फ 2:15? या आ जाओ, घर तुम्हारा नहीं है, मेरे दादाजी का घर है। कुछ अकल है कि नहीं? घर में मेरी जवान साली है, वो तेरे बेल बजाने से जाग गई और यहाँ आ गई तो मवाली कहीं का है? भाग रहा है? मेरी बात पूरी नहीं हुई, पूरी सुन के जा, आगे से ऐसा नहीं चलेगा। क्या कह रहा हूँ मैं, तेरे कानपुर में हड़ताल है क्या? और कुछ बक क्यों नहीं रहा, गूंगे बहरे की औलाद। तो इस तरह से मेरा वीर निकल गया और सिर्फ प्रताप रह गया। लेकिन जय बंधु, इससे मैंने एक सबक सीख लिया, किसी को भी अपने घर के अंदर घुसने मत देना, वो अपने बाप का घर समझ के तुम्हारे सर पे बैठ जाता है। तुम्हारा सुख चैन हवा हो जाता है और मुंह से सिर्फ हवा निकलती है, न कहा जाता है न सहा जाता है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं ऐसे लाइन पे ले आऊंगा। शुभकामना। बर्थडे बॉय के साथ इश्क। Get ready. मुझे लगा था तुम्हें विश करने बहुत लोग आएंगे, पर यहाँ तो कोई भी नहीं फटक रहा। भाई के आतंक से डरते हैं सब। तुम्हारे बर्थडे पे तो सबको विश करने आना चाहिए था, पर तुम्हारा रवैया ठीक नहीं। तुम हमेशा मारा मारी खून खराबा क्यों करते हो? तो तू ही बता, मैं करूँ तो करूँ क्या? प्यार। करके देखो, बहुत मजा आएगा। Shall we dance? क्यों नहीं स्वीटहार्ट। Let's dance. Come on. आओ भी। डांस पे चांस भाई। Come on, शर्माओ मत। अरे
कल मैं चिकन बिरयानी में सांभर डाल के खाया। अच्छा, मजा आ गया। चिकन भी एकदम मस्त था। हाय गाइस। हाय माधवी। हे, यू लुकिंग ब्यूटीफुल। हाँ, लेट्स गो फॉर कॉफी। कॉफी? कॉफी? हाँ, क्यों नहीं, प्लीज। माधवी को हाय बोला, ब्यूटीफुल भी कहा, कॉफी के लिए पूछा। लगता है भाई बदल गया। अरे सुनिए प्रताप जी। कहिए। ये रहा पिछले महीने का किराया। मजाक कर रहे हो, मुझसे कोई पाप हुआ क्या जो मुझे किराया दे रहे हो? पुराना पूरना गया, नया पूरना आ गया, रख लीजिए। काश मेरे जाने से पहले तुम बदल गए होते पूरी। कहाँ जा रहे हैं? जहन्नुम में, मेरा ट्रांसफर हो गया है। कहाँ हुआ? वहीं यहाँ से 500 किलोमीटर आगे, हैदराबाद से थोड़ा पहले, कोलाड में। अरे वो तो मेरा गांव है। क्या कहा? तो आप वहाँ रहेंगे कहाँ? वो वहाँ हमारे बैंक के क्वार्टर्स हैं, वहीं रहूंगा। ये क्वार्टर्स भी कोई रहने की जगह है? आप मेरे घर में रहें। ये सब करने की क्या जरूरत है, रहने दो ना। अब सुनो, बैंक क्वार्टर्स गए तेल लेने, इसके घर में घुसूंगा। ये मेरे घर में घुसा, मैं इसके घुसूंगा। पूरे 1.5 लाख खर्च किए ट्रांसफर के लिए, इसके घर में बैठ के वसूल करूंगा। ये मेरा वादा, किसी को बोलना नहीं है। आप मेरे घर पर ही रहेंगे? ठीक है बंधु, मैं कोई पूरा पागल थोड़ी ही हूँ जो तुम्हारे इतने कहने के बावजूद कहीं और रहूंगा, है ना जय? तुम्हारा ऑफर पास कर दिया। सब ठीक हो जाएगा, जस्ट टेक केयर। बदले की आपको शांत करते हैं, आंखें मत झपकाना। देवा के आदमियों को मौत के घाट उतारूंगा। एक बार छोड़ के दे भैया। पूरे परिवार को खत्म नहीं कर देता तब तक ये बदले की आग सीने में सुलगती रहेगी। मैं छुट्टी पर गांव जा रहा हूं, तुम क्या इटली वापस जाओगे? एक महीने इटली जाके क्या करूंगा भैया? आसपास की जगह लोनावला, खंडाला, औरंगाबाद, नागपुर वगैरह घूमने के लिए चला जाऊंगा, और क्या। तो फिर मेरे गांव चलो। लगता है इसने कभी ना बोलना नहीं सीखा। कुछ तो झोल है। ए रामो, लगेज ऊपर पहुंचा दे। जी मालिक। दोस्त, लगता है तुम्हारे आने की खुशी में आज बकरे या मुर्गे की दावत है। आजा। प्रणाम पिताजी। गांव के हालात ठीक नहीं है, घर से बाहर अकेले आना जाना मत। जी पापा, मेरा दोस्त जय। नाइस टू मीट यू सर। अरे पागल है क्या, ये फॉरेन से आया है, चल ना अंदर। हाँ। प्रणाम माँ। क्यों रे, अब जाके घर की याद आई? इतना पढ़ाई में मगन हो गया था। आप भी ना माँ, ये मेरा दोस्त जय है। हाय आंटी, इतने दिनों बाद जाके एक परफेक्ट इंडियन फैमिली देख रहा हूँ। बेटा इसे अपने कमरे में ले जाओ, खाना तैयार होते ही मैं तुम्हें बुलाती हूँ। ठीक है माँ।
चाची कैसी हो? अच्छी हूँ, तुम ठीक हो? जी हाँ, मेरी चाची। चाची? हाँ। ये तो नाइंसाफी है, पूना की इतनी सुंदर चाची मैं कैसे मान लूं? मेरे ताऊ। हेलो अंकल। अरे भैया। मानसा तू कब आई? मुझे तो एक हफ्ता हो गया, इतने स्टाइलिश कपड़े, क्या बात है। मेरा दोस्त जय, मेरी बहन मानसा, ताऊ जी की बेटी। हाय। व्हाट्स अप? मुझे बदलने वाला यही है, आजा। चाचा ये मेरा दोस्त जय। हाय। ये शहर नहीं, या बड़ों से तमीज से पेश आते हैं। सॉरी डू। ए इधर आओ, तू मेरे बाबा और चाचा से दूर ही रहना, ठीक है? चल। जय, मुझे लगा था कि मैं तुमसे दूर रहकर खुश रह सकूंगी, लेकिन सच कहूं तो मैं गलत थी। मानसा, हर इंसान को बस एक ही जिंदगी मिलती है, और मैं दूसरे जन्म में यकीन नहीं करता। इस जिंदगी को अगर जी भर के नहीं जिया तो क्या जिया? I want to see you happy. तुम हंसती हुई बहुत अच्छी लगती हो। वो तो ठीक है, लेकिन बाकी लोगों को बदलना आसान नहीं है। वो भी इंसान ही है, अगर कोशिश की जाए तो इंसान बदलते भी हैं। पड़ोसी गांव के माधव ने हमारे आदमियों को बेरहमी से मार दिया है। अब उसने हमसे दुश्मनी और गहरी कर ली है, अब इसका परिणाम उसका पूरा परिवार भुगतेगा। नमस्ते। 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 गुड इवनिंग दद्दू। क्या प्रताप, इतनी रात गए बाहर क्या कर रहे थे? प्रताप नहीं दद्दू, प्रताप। बैंक में पानी नहीं आ रहा था इसलिए लेट हो गया, मेरी राह देख रहे थे ना। थैंक यू। मैं राह नहीं देख रहा था, पड़ोस के गांव वालों को पता चला तुम मेरे घर रहते हो तो तुम्हें सीधे नर्क पहुंचा देंगे। मुझे तो स्वर्ग में जाना है दद्दू। नमस्ते दद्दी। जाओ जाके मुंह हाथ धो लो और खाने के लिए आ जाओ। जियो दद्दी। ओके बाय। डूड अब तो सही मौका देके मेरे परिवार को मेरे प्यार के बारे में बता दे प्लीज। अभी अभी तो प्यार हुआ है यार, थोड़ा सब्र करो। ठीक है। नमस्ते बंधु। अरे प्रताप जी, अच्छे है ना, आपको घर जम रहा है ना? एकदम बर्फ की तरह। प्रताप जी को हमारा घर इतना पसंद आया कि एक साल तक यहीं जमे रहेंगे। आराम से रहिए, अपना ही घर समझिए। एक मिनट प्रताप जी। हाय डार्लिंग। डार्लिंग, मैं तुम्हारे ही फोन की राह देख रहा हूं। हेलो प्रताप जी, कैसा चल रहा है? क्या चलेगा भाई, ट्रांसफर के लिए 1.5 लाख रुपए दिया था, डूब गया। ऐसा क्या हुआ? क्या नहीं हुआ पूछो। गांव में सुबह मुर्गे के कुकड़ू कू से नींद खुलनी चाहिए, गाय भैंसों के गले की घंटियां सुनाई देनी चाहिए, मिट्टी और गोबर की खुशबू आनी चाहिए। तो क्या यहाँ ऐसा नहीं है? खाक इसमें से कुछ है, मार काट, गाली गलौज, गोबर की जगह खून की बदबू। मुझे तो लगता है कि मैं जीते जी नर्क में आ गया हूँ। मुझे घर की याद आ रही है, और घर वाली की भी, तुम्हारी भाभी। तो यहाँ क्यों रह रहे हो, घर चले जाओ ना। मैंने वो भी कोशिश करके देख ली, एक बार मैं यहाँ से बैंक क्वार्टर्स भी चला गया था, लेकिन इन लोगों ने मुझे इतना मारा कि आज भी दर्द होता है। मैंने उनसे पूछा कि क्यों मुझ गरीब की धुलाई की भाई, तो उन्होंने कहा मेहमान की मेहमान नवाजी करना हमारा फर्ज है। नमस्ते मालिक। नमस्ते मालिक। हाँ क्या बात है? ये मेरी बेटी पद्मा है, पूरे जिले में 10वीं क्लास में अव्वल आई है, इसीलिए अब आगे भी पढ़ाई करना चाहती है। मैं इसे एडमिशन के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज लेकर गया था, वो डोनेशन मांग रहे हैं, अगर आप। मैंने कहा था इसे मत पढ़ाओ, तूने नहीं सुना। क्या रे, खेत में काम करने में शर्म आती है? जरा सोच गोपी, अगर इसे इंजीनियर बना दिया तो तुझे अपनी बिरादरी में इसके लायक कोई अच्छा लड़का मिलेगा क्या? बहुत हो गई पढ़ाई लिखाई, कल से अपनी माँ के साथ खेत में काम करने आ जाना, जाओ। तुम्हारे घर में सब इतने अजीब क्यों है? प्यार मोहब्बत इंसानियत से कोई बात ही नहीं करता। अब यहाँ खड़े क्यों हो, जाओ।
तू क्या इन लोगों को भी मेरी तरह बदलना चाहता है? मुझे बदलने की वजह सिर्फ एक लड़की थी, लेकिन इनके पास कोई वजह नहीं। चल, वजह वो तो पैदा करनी पड़ती है दोस्त। ये यहां क्यों आ रही है? लगता है पैसे लेने के लिए आ रही है। तू आज यहाँ कैसे आ गई? क्या हो गया? मेरे मना करने के बावजूद भी मेरे पति ने आपका साथ नहीं छोड़ा। आपके कहने पर उन्होंने देवा से दुश्मनी ली, इसी वजह से उनकी मौत हो गई। मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे का भी वही हाल हो। मेरा एक ही बेटा है जो अभी 18 साल का भी नहीं हुआ, वो आपके साथ काम करने लग गया। मुझसे कह रहा था कि वो अपने बाप के कातिलों से बदला लेगा। मैं कोई बदला नहीं चाहती हूँ। उसे समझाइए कि वो ऐसा कोई काम ना करे। वो एक मर्द है और एक मर्द की निशानी है बदला लेना। वो अपने बाप का बदला लेगा, चल जा। अगर उसे कुछ हो गया तो क्या मैंने उसे इसीलिए जन्म दिया था कि वो तुम्हारी गुलामी करे, तुम्हारे लिए अपनी जान दे दे? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। सुने, वो मेरे साथ ही रहेगा और अपने बाप के कातिलों को नर्क पहुंचाएगा। मेरे काम में किसी ने दखल देने की कोशिश की तो मैं उसे काट के फेंक दूंगा। इस गेट के अंदर दोबारा मत आना। चले। पूरी, पूरी, बेटा तुम्हारा भाई कहाँ है? अभी यही फोन पे बात कर रहे थे। जब से आया हूँ तब से देख रहा हूँ कि वो फोन को कान से चिपका के ही घूमता रहता है। तुम्हारे जय भैया कहाँ है? यहाँ की औरतें भी मारने में एक्सपर्ट हैं। थप्पड़ किस खुशी में मारा? किस्मत अच्छी है, सिर्फ थप्पड़ मारा। एक बात बताओ, जय मेरा भाई कैसे हुआ? अब भाई का दोस्त तो भाई हुआ ना बेटा। तो दोस्त की बीवी बीवी होगी? अब दोस्त की बीवी को बीच में क्यों ला रही हो? मैंने तो यूं ही बोला था, मुझे क्या पता तुम्हें बुरा लगेगा। लेकिन बुरा क्यों लगा? पूरे घर में बस यही एक आदमी है जिसका दिमाग घुटने में नहीं है। जय बंधु, अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगा। यहाँ की औरतें भी हाथ उठाती हैं। छी 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 छी। जो डोज तूने इसे पिलाया है वही सारे घर को पिला डाल, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। ये इतना आसान नहीं है, आपकी साली को चारा बनाना पड़ा, हाँ? तब जाके ये सुधरा। यानी कि घोटाला? मेरी साली चारा और पूर्णा मछली? ऐसी बात नहीं है, ये और आपकी साली एक दूसरे को चाहते। पूर्णा और साली इलू और मैं उल्लू? बिल्कुल। मछली चारा निकल गई, साला ठरकी गुंडा कहीं का। अगर किसी को पता चल गया कि वो मेरी साली है तो? मैं हूँ ना अंकल। तुम हो ना? मैं बीज धार फंसे नैया हूँ, तुम खिवैया हो, नैया पार लगा देना। जी 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 जी, मैं खेत से आ रही हूँ। फातिमा ने जहर खा लिया है, उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। माधव ने तो उसे समझाया था कि अब तेरा बेटा वापस नहीं आएगा, वो समझी नहीं, अब खुद ही भुगते। पर जीजी, हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं, चलो। भाई, जब आप पड़ोस के गांव वालों को मारने जाएंगे ना, तब मैं भी आपके साथ चलूंगा। अरे उस सड़क के पीछे आ तो पहले। कौन? मैं? हाँ तू। हाँ ठीक है। अरे जल्दी आना। चल। कहाँ चलूं? कहाँ ले जा रहा है? इसकी माँ ने जहर खाया है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है। भैया, मेरी माँ को कुछ नहीं होगा ना, वो ठीक हो जाएगी ना। उनसे कहना आज के बाद तू अपने मरे हुए बाप के लिए नहीं, अपनी माँ के लिए जिंदा रहेगा, वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। माँ, माँ,
को मुझे अकेला ही छोड़कर जा रही थी माँ। नहीं माँ, आज के बाद तू जो कहेगी मैं वही करूंगा माँ। आज के बाद मैं माधव भैया के साथ काम नहीं करूंगा, मेरा यकीन करो माँ। भैया भैया आप ही माँ से कहो ना कि आज के बाद मैं माँ की हर बात मानूंगा। आज से आप जैसा कहेंगे ये बिल्कुल वैसा ही करेगा। किसी दूसरे गांव जाके इसे पढ़ाइए लिखाइए और सुकून की जिंदगी बिताइए। नहीं नहीं बेटा, मैं आप पे कोई एहसान नहीं कर रहा हूं। ये पैसे पूर्णा के पिता ने भिजवाए। दिल कर रहा है कि सीधा उड़कर तुम्हारे पास चलाऊं। नमस्ते, एक बात कहूं, वो क्या है ना कि मेरे घर में सिर्फ एक ही सेल फोन है। फोन ट्राई कर करके मेरी उंगलियां दुखने लगी है, लेकिन ये दो दिन से फोन से चिपका हुआ है। ये मेरी साली से क्या काम की बात कर रहा है। अंकल नया नया प्यार है, बात करने दो, आप जाके फोन मांगिए, दे देगा आपको। ठीक है, नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं ट्राई करता हूँ। दिल कर रहा है कि तुम्हें अपनी आगोश में लेकर अपने दिल से चिपकाए रखूं। कौन है? अब एक मिनट डार्लिंग। बहुत दिनों से बीवी से बात नहीं की है, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है, उसका हालचाल पूछना है। एक मिनट रुको। माधवी तुम्हारी बड़ी बहन कैसी है? अरे मैं नहीं, प्रताप जी पूछ रहे हैं। वो दोनों बहुत अच्छे हैं, तुम्हें बहुत मिस करते हैं, हैं? अब जाओ। जरा सुनो। हाँ, बोलो डार्लिंग। मैं भी अच्छा हूँ बोलना है। प्रताप जी भी बहुत अच्छे हैं, बोल दिया। हाँ? जा। साला मुझे बात नहीं करने, बाद में बात करूंगा क्या। ओके ओके। मालिक मालिक, क्या हुआ? मुझे लगता था कि आप लोगों को दूसरों की बिल्कुल परवाह नहीं है, पर आप तो गरीबों के देवता हैं, उनके मसीहा हैं। मेरे पति की मौत आपकी वजह से हुई और मैं इसी वजह से आपको कोसती थी, पर मैंने आपको और आपके परिवार को कोसकर बहुत गलत किया। अब मैं ये दुआ करती हूँ कि मेरी उम्र भी आपको लग जाए। आपकी वजह से अब मेरा बेटा अच्छी जिंदगी जिएगा और इसकी अच्छी जिंदगी के पीछे आप ही का हाथ होगा। आपने इसे नई जिंदगी दी है। मैं यही दुआ करती हूँ कि आपका परिवार हमेशा हंसता खेलता और आबाद रहे। मैं अपने बाप के कातिलों से बदला लेना चाहता था। बदले की आग में मैंने अपनी माँ का कहना नहीं माना, मैंने कितनी बड़ी गलती की। पहली बार किसी ने हमारे परिवार को अच्छा कहा। जिस परिवार को गालियां दी जाती थी आज उसे दुआएं दी गईं। मैं जानता हूं ये सब तुम्हारा किया धरा है। मदद तुमने उनकी की और नाम हमारा क्यों लिया? अंकल वो आपके अपने लोग हैं, आपके परिवार के रहमो करम पर जीते हैं। अगर मेरी तरह एक अजनबी उनकी मदद करता तो उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक छोटा सा थैंक यू बोल देते। लेकिन अगर आपने उनकी मदद की तो उनकी नजर में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। जानते हैं यहाँ के गांव वाले अपनी हर मुसीबत में आपके पास क्यों आते हैं? इसलिए नहीं क्योंकि आप अमीर हैं, इसलिए क्योंकि इस परिवार में आप बुजुर्ग हैं। अंकल ताकत लोगों को दबाने या उन पर काबू करने से नहीं आती, आपकी वजह से लोगों को मिली खुशी से आती है। हम तब महान नहीं बनते जब लोग हमारे कहने पर अपनी जान न्योछावर करते। हम महान तब बनते हैं जब हम उनकी जान बचाएं जो हमारी खातिर कुछ भी कर सकते हैं। हाय जय। हाय। आज मैं इतनी खुश हूं कि बता नहीं सकती। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, सच सच बताना, तुम मेरे घर में आखिर आए क्यों?
मैं इस गांव और इसकी खूबसूरती देखने के लिए आया हूँ। ठीक है, मैं खूबसूरती दिखाऊंगी, वो भी अपने गांव की, अच्छे से देखना। अच्छा बताओ यहाँ से कैसा नजारा लग रहा है? वाह, सुपर्ब लोकेशन। कितना अच्छा होता अगर तुम समझ पाते कि मैं किस खूबसूरती की बात कर रही हूँ। यहाँ देखो कितना हरा भरा है ना। हाँ हाँ, बहुत खूबसूरत है। कितने हरे भरे खेत है ना। खेत? मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। ब्यूटीफुल। तुम्हारी आंखों को ठंडक चाहिए तो देखकर आंखों को ठंडक पहुंचा लो। इस नदी के पानी से आंखों को ठंडक मिलती है। ओ हाँ, अच्छा है, अच्छा है। ये वाला हिस्सा देखो कितना खुला खुला है ना। बस इस उपजाऊ जमीन पर पानी की जरूरत है। हाँ, तभी तो हमारे खेत हरे भरे होंगे ना। अच्छा, उसके लिए तो पहले हल चलाना पड़ेगा। आज के लिए इतना काफी है, बाकी इलाके मैं तुम्हें कल दिखाऊंगी, ठीक है? अब जो भी एडमिशन होंगे वो सिर्फ डोनेशन से ही होंगे। ओके सर। आप यहां? आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बुलवाते मैं आ जाता। ये हमारी बच्ची है, इसे समझाया था कि पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं धरा, लेकिन इसने मेरी बात नहीं मानी। पूरे जिले में अव्वल आई है। मैं चाहता हूं कि ये तुम्हारे कॉलेज में पढ़े ताकि अपनी जिंदगी में कुछ कर सके और कॉलेज का नाम भी रोशन हो। सारी सीट्स फुल हो चुकी हैं सर, सिर्फ डोनेशन सीट्स ही बची हैं। डोनेशन? वो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। अरे इंसानियत भी कोई चीज होती है कि नहीं? सुनो, किसी भी तरह एक सीट का इंतजाम करो, समझे? सर, अगर मैं ऐसे ही सीट देता रहा तो बिजनेस ठप हो जाएगा। पढ़ाई को धंधा बना रखा है, दारू की दुकान खोल लो, उससे पैसे कमा लेना। कल से ये पढ़ने के लिए यहाँ आएगी। इसे देखकर दूसरे और गरीब बच्चों की पढ़ने की इच्छा होगी। हर किसी के लिए मुझे यहाँ आने की जरूरत ना पड़े। बेटा, पढ़ो लिखो और आगे जाकर इसकी तरह बनो। मालिक। मानसा के लिए एक रिश्ता लाया हूं, लड़का बहुत अच्छा है, कल वो मानसा को देखने आएगा। मैं शादी नहीं करूंगी, अभी मेरी उम्र ही क्या है। शादी करना तो हर लड़की का धर्म है, तुझे तो खुश होना चाहिए। आप भी कुछ नहीं बोलती हैं। आपको मुझसे प्यार है या नहीं, कम से कम मुझे बताना तो चाहिए था। मुझे खुद पता नहीं था, तुम्हारे चाचा ने अचानक सब तय कर दिया। जय, मेरे चाचा मेरे लिए रिश्ता लेकर आए हैं। पता है? ये क्या जय, तुम कुछ नहीं करोगे? लड़के वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं, शादी करने नहीं। टाइम पास करो, जो होगा देखेंगे।
बाद में मैं संभाल लूंगा आंखू। आइए आइए बैठिए। मेरे बड़े भैया, तुम्हारे होने वाले ससुर। मैं गणपत राव, मेरा नाम तो सुना ही होगा। पिछले ही हफ्ते मैंने अकेले 6 लोगों को काट डाला था। अरे प्रताप, कहाँ जा रहे हो? प्रताप नहीं दद्दू, प्रताप बैंक जा रहा हूँ। आज घर में मेहमान आए हुए हैं, आओ। ये गणपत राव जी हैं, मानसा के रिश्ते के लिए आए हैं। नमस्ते राव जी, दोस्तों के साथ आए, मम्मी पापा को नहीं लाए? शादी मेरे को करनी है, मम्मी पापा को नहीं, इसलिए अकेले आया हूँ। ओ, बड़ी चर्बी है इसको। लड़की तैयार नहीं हुई क्या? जाओ जल्दी बुलाओ उसे, दुश्मनों को पता चल गया तो मुझ पर अटैक हो सकता है। दिखने में तो अच्छी है, नाम क्या है? मानसा। नाम तो ठीक ठाक है, मेरा नाम गणपत राव है। अब ज्यादा नखरे मत दिखा और कॉफी पिला। कॉफी मांग रहा है। क्या बात है, इसकी अकड़ मुझे सूट करेगी। कितनी पढ़ी लिखी है, साइन तो कर लेती है? फॉरेन से एमएस किया है। मतलब 10th भी पास नहीं किया? आप लोग कहां से आए हो? शांतिनगर से। वहां भाई को कोई लड़की नहीं मिली? नहीं। ओहो, भाई ने कहा था पढ़ाई की है? केजी के बाद पढ़ाई नहीं की, फिर भी उनको 10th पास लड़की चाहिए। तुझे प्रॉब्लम है? मैं कहां खंभे से सर फोड़ रहा हूँ। मुझे लड़की जम गई है, फोटो व्हाट्सएप कर देना, अम्मा को दिखा दूंगा। इसकी अम्मा फोटो देख के क्या करेगी, शादी इसे करनी है। चलता हूँ। हाँ बोल के चला गया। क्या मैंने इसी दिन के लिए पढ़ाई की थी? मम्मी मम्मी, आप जाकर उन लोगों को समझाती क्यों नहीं है? जब तू पढ़ना चाहती थी तो मैंने ही तेरा साथ दिया, लेकिन तेरे लिए लड़का ढूंढने का मुझे कोई हक नहीं है। लड़का अच्छा लगा ना? लंबा चौड़ा मूंछों वाला। अच्छा है तो खुद ही कर लो, पर दुल्हन के गेटअप में ये थोड़ी अजीब नहीं लगेंगी? ये लीजिए। हेलो 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 हेलो। लड़का पसंद आया? इसे पसंद ही नहीं आया, तुम बताओ कैसा लगा? एकदम मस्त है, सिर्फ नाम में दम नहीं है। नाम में? गणपत राव, ये भी कोई नाम है? नरसिम्हा राव या बाजीराव होता तो अच्छा लगता। लड़का सुमो में घूमता है, व्हाइट कपड़े पहनता है, काला चश्मा लगाता है, ओके नो प्रॉब्लम, बिल्कुल चलेगा। लेकिन उसके आसपास खड़े उन मुष्टंडों को देखा था आपने? उससे लगता है कि लड़के के बहुत दुश्मन है। अभी लड़का कुमारा है तो सिर्फ उसी की जान को खतरा है, पर शादी के बाद इसकी जान को भी खतरा होगा। अगर दुश्मन ने सही मौका देख के अटैक कर दिया तो क्या होगा? मर जाएगा वो। वो मर भी गया तो चलेगा, एक हफ्ते के लिए हम उसका शोक मनाएंगे, फिर अपने काम धंधे पर फिर से लग जाएंगे। लेकिन अगर उसके हाथ पैर टूट गए और वो एक लाश की तरह जिंदा बच गया तो? आपकी एक छोटी सी गलती से आपकी लाडली बेटी का जीवन बस एक नर्क बन के रह जाएगा। और उस लड़के में कोई कमी नहीं है, मुझे तो वो एकदम चकाचक लगा है। नो प्रॉब्लम, एकदम बढ़िया। अगले महीने के 17 तारीख का शुभ मुहूर्त है, पंडित जी ने बताया, ठीक है ना? मानसा के लिए आया रिश्ता मुझे पसंद नहीं है। मानसा पढ़ी लिखी है, उस लड़के के साथ अपनी सारी जिंदगी नहीं बिता पाएगी। लड़का पढ़ा लिखा ना भी हो तो चलेगा, लेकिन मैं मानसा की जान खतरे में नहीं डाल सकती, बिल्कुल नहीं। वो तुम्हारी बेटी है, अगर तुम्हें ये रिश्ता पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, कोई और अच्छा लड़का देख लेंगे। तू उसे जानता है क्या? उसने तेरा चुम्मा क्यों लिया? एक अंदर की बात बताऊं, मैं उसे इटली से जानता हूं। उसी के लिए यहां पर आया हो? हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लो। यानी तुमने उसके भाई को चारा बनाकर इस्तेमाल किया इस घर में घुसने के लिए?
क्या दिमाग पाया आपने। मानना पड़ेगा सबको उल्लू बना रहे हो। हाँ। किसी को भी बख्श नहीं रहे हो, है ना। हाँ। इस कुर्सी पर लेटे हुए इंसान को भी नहीं छोड़ा भाई। हाँ। वाह, इसे कहते हैं भेजा बंधु। सबको यूज करना है पर मुझे गरीब को छोड़ देना। शुरुआत आपसे ही की थी। शर्मी से कबूल कर रहा है, मुझे भी बकरा बनाया। जागो सोने वालों, वो उल्लू बना रहा है, तुम बन रहे हो। आई लव यू टू। पंचर हो गया भाई। ए, इसे जल्दी से ठीक करा। ठीक है भाई। नमस्कार भैया। आगे तक छोड़ दे। आइए। देवा के आदमी आ रहे हैं, और तेज चलाओ। भगा भगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यहां क्या कर रहा है? बाल कटाने गया था अक्षर। बाल बाल बच गए डूड, अगर पकड़े जाते तो क्या हाल होता। अब अटैक करने की हमारी बारी है ना। मार डालूंगा एक एक को। मैं आपको एक अच्छा आइडिया दूं। वो अब इस इंतजार में होंगे कि आप उन पर कब अटैक करोगे। हम अगर उन पे अगले 50-60 साल तक अटैक ही ना करें तो वो बेचारे डर के मारे वैसे ही मर जाएंगे। कैसा लगा आइडिया? सुपर है ना। ये चक्की तो घड़ी के कांटे की तरह नॉनस्टॉप चलती रहती है। चलेगी तभी तो आटा पीसेगा खाने के लिए। क्या आप लोग दिन भर कोलू के बैल की तरह लगी रहती हैं? बस नॉन स्टॉप 365 दिन चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग। अरे कभी कभी आराम भी कर लिया कीजिए। आराम? तूने इस घर के लोगों को देखा है ना, थोड़े में उनका कुछ नहीं होता, हाथी के जैसा खाते हैं। तो इसका मतलब आप जिंदगी भर खून जला जला के खाना पकाती रहेंगी। हाँ। अरे आप सुबह उठ के नाश्ता बनाती हैं और उसके बाद इस टेंशन में लगी रहती है कि लंच में क्या पकाया जाए। चलो लंच पक गया, लंच कर भी लिया, ठीक उसके बाद आप शाम की चाय और पकौड़ों की तैयारी में लग जाती हैं। उसके बाद आप डिनर के लिए सब्जियों से सर फोड़ती हैं। अगले दिन फिर से उठ के वही रोना धोना शुरू हो जाता है। ये भी कोई जिंदगी जी रहे हैं आप? 10 साल पीछे रिवाइंड में जाएंगी तो आपको यही आटा चावल सब्जियां और बर्तन दिखाई देंगे। और करने को है भी क्या? एक महीने के लिए इस रसोई को ताला लगा दीजिए। और बाहर से खाना पार्सल मंगवाएंगे, है ना? बाहर से खाना मंगाना? मेरा मतलब था कहीं पिकनिक जाते हैं, घूमते फिरते हैं, जिंदगी जीते हैं। पिकनिक? मैं कोई आपसे चांद पर जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। शादी के बाद सिर्फ 3 दिन के लिए मैं तिरुपति मंदिर गई थी, तब से यही हूँ। तिरुपति तो गई थी, मैं तो बस 20 साल पहले थिएटर में 20 साल बाद देखने गई थी। बाप रे, इनका तो शहर से बाहर जाना फॉरेन जाने जैसा है। चलो ना माँ। काकी काकी हाँ करो ना, बहुत मजा आएगा। प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा बाबा ठीक है, तू जाके अपने चाचा से पूछ ले। जा। ओके। Ha 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 ha!
बाप जी, जय हम लोगों को लेकर एक महीने के लिए छुट्टी पर जा रहा है। आप भी हो सकते हैं। बेचारी जानती नहीं है, बकरी बन गई है तभी मैं कर रही है। बीस साल से आप इस कुर्सी पर बैठे बैठे बोर हो गए होंगे ना। चलिए अंकल, बाहर चलते हैं और चलकर इस सुंदर दुनिया को देखते हैं। भाई, उसे पहले से खबर थी कि आप वहां जाएंगे, इसीलिए उसने आप पर हमला करवाया। चाचा, हर कोई घर पर बैठे बैठे बोर हो गया है, चलिए ना कहीं जाकर पिकनिक मना कर आते हैं। चलिए ना चाचा, प्लीज। पागल हो गई है, ऊपर जाना है क्या? पिकनिक जाने का ख्याल अगर दोबारा आया तो टांगे तोड़ के रख दूंगा। चलो अंदर जाओ, अंदर जाओ। देवा के परिवार को हमें जल्द से जल्द खत्म करना होगा। एक भी आदमी बचना नहीं चाहिए। हम सब दर्शन के लिए शंकर जी के मंदिर जा रहे हैं। वापस आने के बाद बिरजू आपका काम कर देगा। देवा का परिवार शंकर जी के मंदिर के लिए निकल गया है। मौत के घाट उतार दो सबको। भाई, हमारे आदमियों ने उन सबको ऊपर पहुंचाने का पूरा बंदोबस्त कर रखा है। बच्चा हो या औरत, ऐसी मौत देना कि चीथड़े भी ना मिले। उनमें से एक भी बचना नहीं चाहिए, सुन लिया? एक भी। भाई आप चिंता मत करो, उन्हें ऐसी मौत दूंगा कि यमराज भी नहीं पहचान पाएंगे। मेरे फोन का जवाब नहीं दे रहा, क्या हो गया है उसे? भाई आप चिंता मत करो, बस दो मिनट दो, मैं देवा के खानदान का नामो निशान मिटा दूंगा। Ah!
अरे बता 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 क्या हुआ, जल्दी बता, देवा के पूरे परिवार को मार डाला ना, बता, बोल साले, बोल ना। मेरा परिवार ठीक है, उनके परिवार में यह नया कौन पैदा हो गया? जो भी था भाई बहुत खतरनाक था। ये भगवान की कृपा है कि हम लोग सही सलामत घर आ गए। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन राक्षसों से हमें जय के अलावा और कोई नहीं बचा सकता। वो अपने पापों के प्रायश्चित के लिए हमारी नजरों से छुपकर हमारी रक्षा कर रहा है। मैंने आज से पहले मानसा को इतना खुश कभी नहीं देखा। उसकी खुशी की वजह जय है। अगर हम अपनी मानसा की शादी जय से करा दें तो जय के आ जाने से इस घर में कितनी खुशियां आ गई है ना। अगर हम अपनी मानसी की शादी उससे करवा दें तो। हाँ पिताजी, मानसा के लिए जय से बेहतर लड़का नहीं मिल सकता। मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानती, मैं बस इतना जानती हूँ कि जब तुम पास होते हो तो मैं बहुत खुश होती हूँ। You made my life. I love you. I love you, Jay. मानसा, मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा खुश रहो। तुम्हारे साथ साथ मैं इस परिवार के लोगों को भी खुश देखना चाहता हूं। तुम जानती हो मैं कौन हूं? ये परिवार पड़ोस के गांव के जिस देवा को मार डालना चाहता है, मैं उसी देवा का बेटा हूं। तुम जिस जय को देख रही हो वो कोई दूसरा जय है, पुराने जय से बिल्कुल अलग। वो जय तो कब का मर चुका, उसकी तो दुनिया ही अलग थी। वहाँ फूल थोड़े कम लग रहे हैं। अनीता, यस मैम, वहाँ थोड़े और फूल लगा दो, गुलाब होंगे तो अच्छे लगेंगे। ओके मैम। अशोक, यस मैम, एंट्रेंस को जरा फिर से चेक कर लेना। जी मैम, ट्यूलिप अभी तक नहीं आया। वो जय लेके आएगा। ओके मैम। पता नहीं तुम कब सुधरोगे, फूल लाने में इतनी देर क्यों कर दी? मॉम, गुलाब और मोगरे के फूल तो हर जगह मिल जाते हैं, ट्यूलिप्स को ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। बस करो, बहाने बनाना बंद करो। अनीता, इन ट्यूलिप्स को लगा दो। ओके मैम। हाय जय। हाय 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 गर्ल्स, व्हाइट शर्ट में एकदम हीरो लग रहे हो। मैडम, वहाँ कुछ भीड़ ज्यादा ही है। कंस्ट्रक्शन साइट जो है वो बहुत बड़ी है। जय, इधर आओ। एक्सक्यूज मी। इस तरह के फंक्शन में लाने से तुम्हें डर लगता है? मॉम, मेरा हाथ छोड़ो। हाथ छोड़ो ताकि तुम फिर से वहीं जाके खड़े हो जाओ। अभी क्या कर रही हूँ, मैं छोटा बच्चा थोड़ी हूँ। शादी मुबारक। थैंक यू वेरी मच। खाना खा लीजिए। ये ठीक है, ऐसा रख बेटा। मॉम, ये दूल्हे का बाप कुछ ज्यादा ओवर एक्टिंग नहीं कर रहा? चुप। ये साफ कर देता हूँ। आई एम सेफ, मेरे साथ ऐसा करने वाला कोई नहीं है। आई एम सेफ, मेरे साथ ऐसा करने वाला कोई नहीं है। मॉम, आप ठीक हैं? मुझसे गलती हो गई, मुझे तुमसे ये बात नहीं छुपानी चाहिए थी। मुझे तुम्हें पहले बता देना चाहिए था कि तुम्हारे पापा अभी जिंदा हैं। जब तुम्हारी उम्र 2 साल की थी तब मैं और तुम्हारे पापा मुंबई में रहा करते थे। दिवाली की छुट्टियों में हम तीनों पापा के गांव गए।
वक्त दोनों पड़ोसी गाँव के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे थे। सारा इलाका एक जीता जागता नर्क था। तुम्हारे दादा को हमारी आंखों के सामने बेरहमी से मार दिया गया। भैया, हमने उनमें से सिर्फ एक को धरा है, बाकी साले बच के भाग निकले। अगर उस परिवार का एक भी इंसान जिंदा रहा तो वो हमसे बदला लेगा। हम चैन से तभी जी पाएंगे जब उन्हें खत्म कर देंगे। आप बस हाँ कहिए। मौत मेरे बाबा की हुई है, तुम क्यों बदला लेना चाहते हो? आज हम उन्हें मारेंगे तो कल वो हमें मारेंगे। आखिर में बचेगा क्या? सारा इलाका एक कब्रिस्तान में तब्दील हो जाएगा, जहां इंसान नहीं सिर्फ लाशें होंगी। वो हमारी तरह कभी नहीं सोचेंगे। हम दोनों में से किसी एक की सोच को तो बदलना ही होगा। मालिक, हमारा परिवार आपके भरोसे जिंदा है, आपको कुछ हो गया तो? तुम्हारा परिवार तुम्हारे भरोसे है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उनका क्या होगा? आज के बाद अगर मुझे पता चला कि तुम में से किसी ने भी उस गांव के लोगों पर हमला किया तो एक बात याद रखना कि उसके खानदान में एक भी जिंदा नहीं बचेगा। अब जाओ। सुनिए, अब हम चलें। कहाँ चलें? वापस अपने घर। इन हालात में सबको छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं? तुम तो जानती हो ये लोग जानवरों जैसा बर्ताव करते हैं। जैसे ही मैं यहां से जाऊंगा ये लोग खून की नदियां बहाएंगे। यहां रहकर ही मैं इन लोगों को रोक सकता हूं, इन्हें बदल सकता हूं। मुझे इसी बात का डर है। दिन रात इन जानवरों के साथ रहकर तुम भी ऐसे ही बन जाओगे। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? तुम्हारे आसपास जो लोग हैं उन पर नहीं है। इन लोगों को ऐसे छोड़कर मैं नहीं जा सकता। तो ठीक है, मुझे ही जाना होगा। फैसला तुम्हारे हाथ में है, इस गांव के लोग चाहिए या अपना परिवार। तुम्हारी भाभी जाना चाहती है, इन्हें संभाल कर ले जाना। उस दिन से मैं तुम्हारे पापा और उस गांव से बहुत दूर हो गई। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उस गांव का साया तुम्हारे ऊपर पड़े। उन्होंने गांव वालों के लिए मुझे छोड़ा, तुमसे मिलने की भी कोशिश नहीं की। उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया। तुम्हारे पापा महान हैं। मैं उन्हें एक बार देखना चाहता हूं। सालों से तुझे सजाते सजाते मैं भी बुढ़ा गई हूँ। पता नहीं कब कोई लड़का तुझे पसंद करेगा। वो लड़का बहुत तकदीर वाला होगा जिसकी शादी वीना से होगी। जबान चलाना बंद कर। समाना बदल गया है लेकिन ये लोग नहीं बदलने वाले। बस एक बार मैं खुद लड़का ढूंढ लूं, फिर देखना कैसे लड़कों की माएं मेरे पीछे पीछे घूमेंगी। तेरे इस पागलपन की वजह से कोई घर तक आता ही नहीं। पता नहीं उन्हें कौन भगा देता है। पागल मैं नहीं, वो है। मुझे ना कह गया। दीदी पहले चाल चलो। ए चल निकल, चल फुट ना। तू औरत ही नहीं है इसीलिए शादी से डरती है। क्या कहा? मैं तो पैदा ही शादी करने के लिए हुई हूँ। वो क्या है ना, मेरी किस्मत में कोई राजकुमार है। इधर आ। क्या हुआ? मैं हीरो दिख रहा हूँ ना? जोकर दिख रहा हूँ। देख सच बोल। वैसे कभी कभी हीरो लगते हो। देखा, सच्चाई कभी नहीं छुपती। ये बिना चॉकलेट के नहीं बोल सकता था। अरे कोई काम धंधा नहीं है क्या?
आज वीना बिटिया को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। पता है लड़का वीना को देखते ही फौरन रिजेक्ट कर देगा, फिर वीना मुझसे रिक्वेस्ट करेगी कि मुझसे शादी कर लो, फिर मुझे मजबूरन उसी से शादी करनी पड़ेगी। वो कुवारी रह जाएगी पर तुमसे शादी नहीं करेगी। बेटा ऐसा कब तक चलेगा, एक ना एक दिन तो तुझे शादी करनी है, अब इस लड़के को ना मत कहना। मैं आपकी बात समझ रही हूँ माँ, मैं मंदिर जाकर प्रार्थना करूंगी कि आज मेरा रिश्ता पक्का हो ही जाए। किसी ने हमें साथ देख लिया तो मेरी इज्जत चली जाएगी। छोड़ ना यार, अगर कोई पूछेगा तो कह दूंगी कि तू मेरा नौकर है। अच्छा सुन, वैसे तो किसी काम का है नहीं पर मेरा काम कर दे। इसने तो मजनू की जगह रामू बना के रख दिया। सुन कल्लू, तुझे याद तो है ना कि तुझे क्या कहना है। अरे अब तो बाया हाट हो गया है, यही तो बोलना है कि 8 महीने बाद तुम मेरे बच्चे की माँ बनोगी, उसके बाद कहूँगा तुम मेरे प्यार में पागल। पहले 4 लड़कों को भूल गया, तेरी शक्ल देखकर मान नहीं रहे थे। कितनी मुश्किल से उन्हें भगाया, देसी घी के बने लड्डू खा गए। अरे जा, वो आ गया। रुकना, लड़का कितना हैंडसम है, इसे घर आने देते हैं, मैं जाकर हाँ कह दूंगी। कुछ ऐसा बोल के घर आकर फटक से हाँ कह दे प्लीज। भाई साहब, देवा के घर जा रहे हो? हाँ। ये वही लड़की है जिसे देखने जा रहे हो? लेकिन ये मुझसे बहुत प्यार करती है, अगर मेरी शादी इससे नहीं हुई तो हम दोनों मर जाएंगे। अगर तुम यहाँ से चले गए तो हमारे बच्चे तुम्हें मामा बोलेंगे। देवा के घर लड़की देखने जा रहे हो? हाँ। वैसे तुमसे मिलने के लिए लड़की यहाँ आ गई है। हेलो, वैसे ये यहाँ क्यों आ गई, घर पर आराम से मिलते। ये दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, अगर तुम यहाँ से वापस चले जाओ तो इनकी शादी हो जाएगी, बस यही बोलने के लिए यहाँ आए। ये भी हाथ से गई? हाँ हाँ, जानता हूँ लड़की काफी सुंदर है, ना बोलना मुश्किल, लेकिन तुम्हारे पास और कोई चॉइस भी नहीं है। हैप्पी? बहुत ज्यादा। कौन हो तुम? मैं देवा का बेटा हूं। भैया, कौन है ये? तुम्हारे पापा। दीदी, हमारा जय। बेटा, आखिर तुम अपने घर आ ही गए, मम्मी नहीं आई? उन्हें कुछ काम था इसलिए नहीं आ पाई। हाँ वीना, ये गाड़ी जानी पहचानी लग रही है ना? जय, ये प्रदीप अंकल। सब लोग एक ही जगह पर जमा क्यों है, कहीं उसने सब कुछ बता तो नहीं दिया? बाप रे, मुझे तो मार मार के भरता बना देंगे, मैं तो चला। ए, रुक रुक रुक, हमने जो भी किया है साथ में किया है, तो अंदर भी हम साथ में ही चलेंगे। क्या साथ में किया, तुम तो कभी मुझे छूने का भी मौका नहीं देती, मुझे ऐसे मत भगाओ तुम। हेलो, बस मेरी कमी थी, नमस्ते। ऐसे घूर के क्या देख रही है, ये अपना जय है। हाँ, ये लता दीदी का बेटा है। जय, तुम अब तक सोए नहीं? नींद नहीं आ रही थी। हाँ, तुम्हारी माँ वो कैसी है? वो अच्छी है। ओ, डेली 1 पैग,
पिछले 20 सालों से यही मेरा साथी है। विल यू हैव? नो, आई एम फाइन। तो तुम क्या करते हो? मैं एक आर्किटेक्ट हूं। ओके, काफी रात हो गई है। गुड नाइट, बाय। बेटा जाए, तुम यहीं सो जाओ। ऊपर वाले कमरे में शायद मच्छर होंगे। कोई बात नहीं, मैं ऊपर सो जाऊंगा। गुड नाइट। अंदर क्या झांक रही हो? किसी ने उसे चाय कॉफी दी या नहीं तो मैंने सोचा। तो क्या तुम्हारे इस तरह अंदर झांकने से कॉफी बन जाएगी? नए कपड़े? हाँ, ये नए कपड़े जय के लिए हैं। मेरे लिए तो नए कपड़े कभी लेकर नहीं आए। 3 साल पहले ही दिलाए थे, भूल गई? तू आ जा अंदर। आज घर में कोई फंक्शन है क्या? हैप्पी बर्थडे। ओह गॉड, थैंक्स। आज मेरा बर्थडे है और मैं भूल ही गया। अच्छा, तो आज तुम्हारा बर्थडे है। बचपन से देख रही हूँ, आज का दिन हर साल इस घर में धूमधाम से मनाया जाता है। मेरा बेटा। नमस्ते। तुम चाहते हो कि वो 1500 एकड़ की जमीन उन्हें मिल जाए, तो जिसकी जमीन है उससे बात करो। ये काम आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता, आपको कमीशन भी मिलेगा। जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? और तुम जानते हो हमें किसने भेजा है? माधव ने। अगर तुमने बात मान ली तो माधव भैया भीख में तुम्हारी जान बख्श देंगे। जान लेना देना ऊपर वाले के हाथ में है, पर हम गरीबों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। हम उन्हें कुछ पैसे भी देंगे। कुछ पैसे? बेचारे किसान रुपए पैसे का मोल क्या जाने, उन्हें तो बस खेती करना होता है। आप लोग बड़ी दूर से आए हैं, चाय नाश्ता करके जाना। इतने सालों तक तो तुम चूहे की तरह बिल में घुसे रहे, माधव भैया दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। अगर माधव भैया के सोए हुए आतंक को जगाया तो तुझको और तेरे पूरे परिवार को मौत की नींद सुला देंगे। चुप साले, काट डालूंगा। तुम्हें जो कहना था तुमने कह दिया, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। के 600 परिवार सिर्फ एक आदमी के भरोसे जीवन जी रहे हैं, तूने उनको धमकाने की कोशिश भी कैसे की, और वो भी
मेरे यहां होते हुए। देवा की रहम दिली की वजह से आज तू इस गांव से जिंदा वापस जा रहा है। पिछले 20 साल से जो हुआ उसे भूल जा। अब उनका बेटा आ गया है, जाके बोल उनका बेटा आ गया है। पिछले 20 सालों से मैं जो करना चाहता था आज तुमने वो करके दिखा दिया। आज तुमने उन कमीनों को मुंह तोड़ जवाब देकर गांव वालों का हौसला और बढ़ा दिया है। तुम्हारे खून में अपने लोगों के लिए इतना प्यार देखकर मेरा दिल भर आया। माधव भैया को पता भी ना चले वरना हम सबको टपका डालेंगे। हम सोचते थे कि देवा एक कमजोर और बुजदिल आदमी है, पर उसकी गैंग में एक ऐसा इंसान है जो आपके पूरे परिवार को अकेले मारने की हिम्मत रखता है। जय, तुम तो बड़े शहर में पले बड़े हो ना, गांव तो पहली बार आए होगे। मजा तो आ रहा है ना? अगर मम्मी भी आती तो सच में बहुत मजा आता। आंटी और अंकल को मिलाने का सिर्फ एक ही तरीका है। क्या? तुम्हारी शादी। कोई देखी हुई है क्या? मतलब गर्लफ्रेंड एक थी ना? कॉलेज में, शायद अब उसकी शादी हो गई होगी। मुझे देखो, मेरे तो 10 से 15 बॉयफ्रेंड है। मेरा मतलब है मेरे आगे पीछे घूमते हैं और तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं। मैंने सुना था शहर के लड़के फास्ट होते, पर ये क्या? एक बात बताओ, तुम्हें किस टाइप की लड़की पसंद है? मैं काफी लंबा हूँ तो मेरे हिसाब से एक नाटी लड़की मिले तो बहुत अच्छा होगा। तुम फर्स्ट फ्लोर पर हो, लड़की तुम्हें ग्राउंड फ्लोर की चाहिए तो कैसे चलेगा? लड़की भी फर्स्ट फ्लोर की होनी चाहिए वरना सब मजाक उड़ाएंगे, समझ रहे हो ना? और क्या होना चाहिए उसमें? पढ़ी लिखी हो तो ज्यादा अच्छा होगा। क्या अच्छा होगा? पढ़ाई का चार डालोगे? अगर लड़का लड़की दोनों पढ़े लिखे हुए तो सिर्फ धौंस जमाएंगे, प्यार तो करने से रहे। लड़की को ABCD आनी चाहिए ताकि वो बच्चे को पढ़ा ले, बस। कुछ अक्कल वक्कल है या नहीं? और क्या फरमाइश है? छोटे परिवार की इकलौती लड़की होगी तो मेरी मम्मी का ख्याल बेहतर रखेगी। अगर अकेली लड़की हुई तो सिर्फ अपना ख्याल रखेगी, अपने बारे में सोचेगी। अगर जॉइंट फैमिली की लड़की हुई तो बड़ों की इज्जत, छोटों से प्यार, सबका ख्याल रखना आता होगा उसे। शादी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही होती है। अगर अच्छी लड़की मिले तो वो अपने पति और ससुराल वालों का दिल जीत लेती है। सही कह रही हूँ ना? वैसे तुम्हारी और शाम की जोड़ी एकदम लैला मजनू से कम नहीं लगती है। फिर प्रॉब्लम क्या है? क्या प्यार और कर लो शाम के साथ, मार डालो। अच्छा हुआ जो ये बात तुमने सिर्फ मुझसे कही, उससे ज्यादा तो लंगूर खूबसूरत है। वो मैली कुचैली लुंगी बनियान में घूमने वाला कालिया दिन भर गोरे होने वाली क्रीम लगाता रहता है। अगर कंपनियों ने उसे देख लिया तो अपनी क्रीम बैन कर दे। आज चॉकलेट बहुत हो गया, कल खाऊंगा। Yeah.
लोगों ने हमें जमीन नहीं दी, हम इन्हें बेघर कर देंगे। ऐसी आग लगाएंगी कि कोई माई का लाल इसे बुझा नहीं पाएगा। पिछले 20 बरसों से मैं बस यही कोशिश करता आया हूं कि हम दोनों की दुश्मनी की वजह से गांव और गांव वालों पर कोई आंच ना आने पाए। इन्होंने कई बार फसाद खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन मैंने ऐसा होने नहीं दिया। मेरी कोशिश यही रही कि मैं पलटकर वार ना करूं। सर, अगर कल रात हमारे आदमी उस गांव में नहीं जाते तो पूरा गांव जल जाता। साहब, किसान अपनी जमीन बेच चुके हैं, खुशी के मारे ज्यादा पीकर खुद बस्ती को आग लगा दी होगी। इनके घर में कोई नया पढ़ लिख कर आया है, उसी ने आग लगवाने के लिए बोला होगा ताकि इंश्योरेंस कंपनी से मोटी रकम वसूली जाए। एसपी साहब, इनकी बेकार की बातों पर यकीन करके हमें दोबारा यहां मत बुलाइएगा, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। सॉरी देवाजी, मैं जानता हूं कि आग लगाने में इन्हीं का हाथ है, पर मैं कानून के आगे मजबूर हूं। सूरज भी दिन भर चमक कर थक हार कर पश्चिम में डूब जाता है। पता नहीं इन लोगों की हरकतों की शाम कब होगी, उसी शाम का इंतजार है। नमस्ते। भाई, मैंने तो सोचा था कि गांव के आदमी हमला होने के बाद हम पे पलटवार करेंगे, लेकिन ये तो औरतों की तरह पुलिस के पास अपना रोना रोने आ गए। इस बार सिर्फ घरों को आग लगाई थी, टाइमिंग का गड़बड़ हो गया, वरना घर में रहने वाले भी जल जाते। तुम आदमी हो या जानवर? मुझे जानवर बोलता है? अरे रुको रुको रुको, छोड़ो। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? मैं कहता हूँ छोड़ो इसे, छोड़ो, बंद करो। जय, मैं भी आ रहा हूँ। बोला भाई, आप हम किधर नहीं शेर हैं जो तेरे इलाके में आके तेरा शिकार कर रहे हैं। अगली बार तूने या तेरे चमचों ने गांव में कदम रखा तो तेरा सर होगा और मेरा टायर होगा। भैया भैया, आप ठीक तो है ना भैया? जय, कहां गए थे बेटा? अपने गांव वालों को कुछ तकलीफ थी, हम दोनों मिलके उसे ही दूर करने गए थे। गांव के हालात ठीक नहीं है, पता नहीं कब क्या हो जाए। मैं नहीं चाहता कि दुश्मन को भनक भी लगे कि तुम मेरे बेटे हो और कैसे दिखते हो। मेरी मानो तो तुम यहां से वापस शहर लौट जाओ, इस वक्त यही सही है। यहां के हालात सुधरते ही मैं तुम्हें बुलवा लूंगा। ओके पापा। बचपन से मैं उससे शादी करने के सपने देखता रहा और वो मुझे ही छोड़ के जा रही है। वो तुम्हारी वजह से नहीं जा रही है, जय नौकरी दिलाएगा इसलिए जा रही है। अच्छा, वो क्या कलेक्टर है जो इसे नौकरी दिला देगा? मुझे एक बात समझ में नहीं आती, उसमें और मुझमें फर्क क्या है? तुझे फर्क सुनना है ना, बैठ जा। अरे बैठ बोला ना। हाँ बता। अच्छा बताओ, तुम्हारी हाइट क्या है? वो जूता पहनेगा तो मेरे बराबर हो जाएगा। अरे वो आंख वाले अंधे, अगर वो कुर्सी पर बैठेगा ना तो भी तो चलम्बा देखेगा, हाइट में तो नहीं जीत सकता। तो फिर रंग? रंग का क्या लेना देना है? अरे क्यों नहीं है,
मेरा रंग पक्का है। अच्छा? थोड़ा सा उससे काला हूँ। छोड़ो, कुछ और बात करो। नेक्स्ट, और क्या था? हाँ, पढ़ाई। अरे अरे अरे, तेरी पढ़ाई की नहीं, बैठ जा। इसकी पढ़ाई की बात करा था, अनपढ़ है। नेक्स्ट है पढ़ाई। चल बैठ बैठ बैठ। अलग पूरा मूड खराब कर दिया। ए, मेरा रंग साउथ अफ्रीकन से तो गोरा है, तो बस हो गया। हाँ। हो गया। दोनों के रंग बराबर है। नेक्स्ट। मैं क्या इधर केबीसी खेल रहा हूँ? तो एक काम कर, लड़की के पास जा और जाके उसे सब कुछ बता दे। आर या पार। गांव के इतने घर जलाने के बाद भी देवा हमसे समझौता करने के लिए तैयार था। वो बस चाहता था कि हम ये लड़ाई झगड़ा छोड़ दें। लेकिन ये अचानक कौन आ गया? वो कौन हो सकता है? कौन हो सकता है वो? देवा का बेटा, देवा का सगा बेटा। अब हमें संभल कर रहना होगा भैया। वो यहां आ गया तो हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। मैंने उसके गुस्से और ताकत को देखा है। हम में से अगर कोई उसे मारना भी चाहे तो नहीं मार सकता। वो रहता कहां है बता? वो और उसकी माँ दोनों मुंबई में रहते हैं। कुछ दिनों के लिए यहां पर आया है। अगर वो जिंदा रहा तो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। उसे जल्दी खत्म करना होगा। जाओ और उस देवा की औलाद को टपका डालो। मुझे रोज फोन करना। ओके। क्या यार? बीना, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे अपनी पैकिंग करनी है, चलो जल्दी बोलो। समझ में नहीं आता कि मैं कहां से बोलूं। पता नहीं मुझे तुमसे कहना चाहिए या नहीं, पर ये दिल मानता नहीं। मैं जानता हूं तुम्हें यकीन नहीं होगा, तुम्हारी आंखों का नूर, ये सुरूर लाखों में एक है। मुझे पता है तुम सोच में गुम हो कि मैंने तुम्हें पसंद किया, पर हमारी जोड़ी जमेगी। आई लव यू। आई लव यू चाचा। आज तक तो मुझे सिर्फ शक था, पर आज यकीन हो गया। सुधर जा। अरे बेटा, एक बार जाने से पहले गले तो मिल ले, ऐसे क्यों कर रही? देख रहे हो बेटा, जाने की कितनी जल्दी है इस लड़की को। चलता हूँ पापा। मम्मी बाय। बाय बाय सब लोग, अपना ख्याल रखना। बाय। आप आज भी कितनी खूबसूरत दिखती हैं। मुझे आपसे आपकी सारी ब्यूटी टिप्स चाहिए। ले लेना, जाके देखो जय ऑफिस गया कि नहीं। जाओ वीना। हाँ? क्या गांव में आज भी लड़ाई झगड़े होते हैं? कैसे झगड़े? घर के बड़े मिलकर सारे मामले सुलझा देते हैं। लोग प्यार की भाषा बोलते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। आओ। हाय किशोर, दिस इज वीना। हेलो वीना, दिस इज योर केबिन। सर, हम रिक्लेमेशन का एक कमर्शियल प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे थे। दरअसल हमें वो। और क्या बात हो रही थी? वो नई नई आई है ना सर, इसलिए मैं उन्हें काम समझा रहा था। किसने कहा कि वो यहाँ काम के लिए आई है? वो सिर्फ टाइम पास के लिए आई है। बेहतर होगा तुम अपने काम पे ध्यान दो। वो तो इतनी अच्छी बातें करती हैं कि काम में मन ही नहीं लगता। वो इसी तरह कुत्ते, बिल्ली, गाय और भैंसों से भी बात करती है। अब तुम सोचो कि तुम जानवर हो या फिर एक पढ़े लिखे इंसान। बीच के कैबिन में बैठो और अपना काम करो, और उसे डिस्टर्ब मत करो। किससे मिलना है? हम लोग यही पास में रहते हैं, गणपति का चंदा लेने आए हैं। मालिक तो अभी घर पर नहीं है, थोड़ा इंतजार कीजिए। हम पास के होटल में चाय नाश्ता करके आते हैं। उसके सामने तभी जाना जब तुम्हारे अंदर उसको मारने की हिम्मत हो। अगर वो जिंदा बच गया तो हम सबको मार डालेगा।
आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। वही है, रुको, उसे अंदर जाने दो। मालिक, थोड़ी देर पहले कुछ लोग चंदा मांगने आए थे, वो पास के होटल में नाश्ता पानी करने गए हैं। बुढ़े बाबू, चलो गाड़ी में बैठो। मेरी बात मानो, यही कही है। सामने आने की कोशिश करो। अगर आप मरना नहीं चाहते तो गाड़ी में बैठिए, उसको हम बाद में देख लेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? चलो चलो चलो, अंदर बैठो, बैठो अंदर, चलो। ए, चल रहे। उसे टपकाने 30 लोग गए और सिर्फ 3 वापस आए। आखिर वो है कौन? खुद को शेर समझता है। उस शेर का शिकार अब मैं करूंगा। साले कुत्ते के पिल्ले का सर काट के गांव के बाहर लगा दूंगा, ताकि हमारे सामने कोई नजर ऊंची करने की हिम्मत ना करे। लगता है इन लोगों के बुरे दिन आ गए। मैं अपने गांव चलता हूँ। हेलो वीना। हेलो, मेरे घर वाले मेरी शादी करवाना चाहते। उन्होंने मेरे लिए एक लड़का पसंद किया है, पर मैं जैसे शादी करना चाहती हूँ। हाय, चलिए चलिए, आराम से जाना। हाँ नमस्ते, बैठो, संभाल के निकलो। कुछ भी कहो, मुझे लड़का बहुत पसंद है। अभी एक गया नहीं कि दूसरा आ गया साला। बेटा, मैंने मीना की शादी फिक्स कर दी है, जिसके साथ तुम्हारी शादी होने वाली है वो अमेरिका में रहता है। शादी के बाद वो तुम्हें भी अमेरिका ले जाएगा, ताकि तुम खुश रह सको। अंकल, खुशी का इस बात से कोई लेना देना नहीं कि लड़का अमेरिका में रहता है। वीना को असली खुशी तब मिलेगी जब उसे उसकी पसंद का लड़का मिलेगा। आपकी बेटी कोई चीज नहीं है जिसे आप पैक करके अमेरिका या फिर इंग्लैंड भेज दें। हर माँ बाप ये सपना देखते हैं कि उनकी बेटी जहां भी जाए वो खुश रहे। वीना एक बहुत ही अच्छी लड़की है, करोड़ों में एक। उसे खुशी तब मिलेगी जब वो ऐसे लड़के से शादी करेगी जो उससे प्यार करता हो। बेटा, हम भी वीना को खुश देखना चाहते हैं, लेकिन आजकल ऐसे लड़के मिलते ही कहां हैं? तुम्हारी नजर में हो तो बताओ। वीना, मुझे बस एक मौका दो, मैं तुम्हें अपने दिल में बिठा कर रखूंगा। लक्ष्मी, आप कैसे हैं? मैं ये सोचकर अलग हुई थी कि इन गांव वालों के साथ रहकर आप भी जानवर बन जाएंगे। मैंने आपको उस गुनाह की सजा दी जो गुनाह आपने कभी किया ही नहीं था। मुझे माफ कर दीजिए, भले ही मैं आपसे दूर चली गई, लेकिन मैंने आपके बेटे को आप ही के संस्कार दिए हैं, उसे प्यार बांटना सिखाया है, वो आप ही के जैसा है। अब आप चाहो तो इसकी सजा दे सकते हो।
आज सारा परिवार एक साथ होगा, मेरा वादा है मैं सबको मौत के घाट उतारूंगा। आपके साथ जो उन्होंने किया था आज उसका बदला लेने का वक्त आ चुका है। करीमुल्ला, अरे खाना तो खाते जाओ। दोनों की जोड़ी अच्छी है ना? मैं आपसे एक जरूरी बात करने आया हूँ। जिन लड़ाई झगड़ों को आपने रोकने की कोशिश की वही झगड़े फिर शुरू हो गए हैं, और इसकी वजह है आपका बेटा। मुझे डर है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए मैं आपको चौकन्ना रहने की सलाह देता हूं। मुझे इजाजत दीजिए। जजमान जाकर चांदी के वस्त्र पहन कर आइए। अंदर पहुंच चुके हैं, पहले उसके परिवार को मारेंगे फिर उसे। जब तक वो जिंदा है अपने परिवार को छूने नहीं देगा। उसके परिवार से पहले उसको टपका डालो। Oh!
मार ले लो। कहाँ जा रहे हो? मेरी माँ की मौत के लिए जिम्मेदार एक भी आदमी नहीं बचेगा। अपने उसूलों और संस्कारों को कुछ देर के लिए भूल जाइए और अंदर चले जाइए पापा। जिस बीमारी का बरसों पहले इलाज हो जाना चाहिए था, उसे आज मैं जड़ से उखाड़ दूंगा। भैया आज मत रोकिए, आप अंदर जाइए। मालिक, 20 साल पहले आप ये गलती कर चुके हैं, फिर से वो गलती मत दोहराइए। आप छोटे मालिक की बात मान लीजिए, मालिक इनके खून का बदला माधव के पूरे परिवार को मार कर लेंगे। कौन सा पाप किया था जो तुझ जैसा बेटा मिला? तेरी माँ तुझे मुझसे दूर लेकर चली गई ताकि इस खून खराबे की परछाई भी तुझ पर ना पड़े, और गांव वालों के लिए मैंने इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन तूने अपनी हरकतों से सब बर्बाद कर दिया। तेरी माँ का सपना था कि वो तेरी जिंदगी में प्यार भरे, लेकिन तूने वो सपना तोड़ दिया। वो जिस डर की वजह से इस गांव से गई थी, तूने लौटकर वही डर जिंदा कर दिया, और उसी डर का शिकार आज तेरी मां हो गई। पता होता तेरे आने से वहशीपन फिर लौट आएगा तो मैं तुझे यहां लौटने नहीं देता। अगर मैं जानता कि तेरे आने से मेरी लता चली जाएगी तो मैं तुझे इस दुनिया में आने नहीं देता। लता के बदले अगर तू मर जाता तो मुझे दुख नहीं होता। चला जा यहां से दूर, और फिर कभी लौट कर मत आना। मेरी चिता को आग देने के लिए भी तू लौट के मत आना। ऐसा मत कीजिए। जय, नहीं बेटा, जिसने अपनी मां को जीते जी मार डाला वो तुम्हें खुश क्या रखेगा। मैं नहीं चाहता कल तुम्हारा भी हश्र इसकी मां जैसा हो। मत रोको इसे। पापा के शब्द मुझे तीर की तरह चुभे थे, लेकिन जो उन्होंने कहा था वो सच था। मेरे वहां जाने से लड़ाई झगड़े खून खराबा मुसीबत पड़ने लगी। मैं गांव छोड़ के इटली चला गया, सोचा कि मैं नहीं रहूंगा तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरा ऐसा सोचना गलत था। हालात बद से बदतर होते चले गए। समझ नहीं आ रहा था कि इस खून खराबे को कैसे रोका जाए, और फिर मेरी मुलाकात तुमसे हुई। तुमसे मिलने के बाद मैं समझ गया था कि तुम्हारे गांव के हालात भी मेरे गांव से कुछ अलग नहीं है। वहां भी लोग खून के प्यासे हैं। उसके बाद तुम्हारे जरिए मैं यहां आया और सबको बदलने की कोशिश की। अगर आज मेरा परिवार इतना खुश है तो उसकी वजह तुम हो। मेरी एक गुजारिश है कि तुम यहां से चले जाओ। ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूं कि तुम मेरे नहीं बन सकते। अगर किसी को पता चला कि तुम देवा के बेटे हो तो पता नहीं क्या हो जाएगा।
मैं यहाँ से अपने मकसद में कामयाब होने के बाद ही जाऊंगा। बेटा जय, मैं नहीं जानता तू कहां से आया और किस लिए आया है, लेकिन हम सब ये चाहते हैं कि तू इस घर का जमाई बने। ये जो हमारी बेटी है, कि हमारी तरह बुरी नहीं है, ये अच्छे बुरे का फर्क समझती है। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो अपने माँ बाप से बात करो, बाकी मैं संभाल लूंगा। Yes, you got it. बंधु, तुमने सब लोगों को इस्तेमाल किया और जो चाहते थे पा लिया, अब लड़की तुम्हारी हो गई। ये कभी नहीं हो सकता प्रताप जी। वो क्यों? क्योंकि मैं इनके दुश्मन देवा का बेटा हूं। गाड़ी रोक दे। यहाँ बैठ के क्या सोच रहा है? यही सोच रहा है ना कि तू अपने मकसद में कामयाब हो गया। मैं मानसा की शादी उससे करवाना चाहता था जिसमें बदला लेने की आग हो, दुश्मन से निपटने का हौसला हो। लेकिन तू तो समझौते की बात कर रहा है। कुछ देर के लिए मानसा की बात भूल जाते। वो क्या कह रहे थे आप, दुश्मन से बदला? कुछ समझाएंगे आप? मुझे उन बुजदिलों से नफरत है जो अपनी रक्षा तक नहीं करना जानते। मर्द वो होता है जो मरने मारने को और अपनी जान देने को तैयार हो, समझा? मर्द के पास हथियार हो या ना हो, वो खाली हाथ भी दुश्मन को धूल चटाने की हिम्मत रखता है। वो देख, मर्दों की फौज। इंसानों की जान लेने को आप मर्दानगी कहते हो? अरे ऐसा पहले के जाहिल इंसान सोचते थे। इसके लिए बहादुरी की जरूरत नहीं होती, मर्दानगी कहते हैं दुश्मन से भी दोस्ती का हाथ मिलाने को। इसे कहते हैं जिगर। इसे कहते हैं जिगर? हाँ? चल देखते हैं। हे, ये सारा सिर्फ बातों का शेर है। देखो इसे, लड़ने की बात की तो कैसे ढीला पड़ गया। तूने दुश्मनों से दोस्ती का हाथ बढ़ाने को कहा, मैं तेरा ये फॉर्मूला ट्राई करूंगा। लेकिन जिस मर्दानगी की मैंने बात की वो तुझ में है क्या? सुना दो साले को। आपने जो कहा वो मैंने करके दिखाया।
अब जो मैंने कहा है वो करके दिखाइए। पता नहीं मेरे आदमियों को ठीक होने में कितना वक्त लगेगा, हो सकता है उनमें से कुछ ठीक भी ना हो पाए, लेकिन तू जम गया। मुझे तुझ जैसे बहादुर की जरूरत थी। वादा करता हूं मानसा का हाथ सिर्फ तेरे हाथों में ही दूंगा, लेकिन बस एक काम कर दे। उस गांव में मेरा एक ऐसा दुश्मन रहता है जिसके मरने के बाद मेरा बदला पूरा होगा, तू उसे मारकर मेरा बदला पूरा कर दे, सारी जिंदगी तेरी गुलामी करूंगा। तुम सुधरोगे नहीं, कभी नहीं बदलोगे। उस गांव का आदमी जिसने तुम्हें मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसने तुम्हारी रातों की नींद हराम कर दी, वो अब मर चुका है, बदल गया है। वो अब ना किसी पे हाथ उठाता है और ना ही पलटवार करता है, सिर्फ प्यार करना जानता है। नफरत उसके लिए अब खत्म, वो बस प्यार बांटता फिर रहा है, और वही प्यार लेके वो तुम्हारे पास आया है, तुम्हारी आंखों के सामने खड़ा है। अपने जिस दुश्मन की मुझे तलाश थी वो चाचा 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 क्या कर रहे हैं? चाचा माधव, ये क्या कर रहा है तू? इस बहरूपीय से पूछो कि ये क्या कर रहा था, ये हमारा दुश्मन है। हम इसे जमाई बनाने की सोच रहे थे, लेकिन ये हमारा परिवार बर्बाद करने के लिए आया था। तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी हुई थी। तू इतने दिन अपने दुश्मनों के बीच रह रहा था, तूने हमें धोखा दिया, तुझे आज मरना ही होगा। बड़े पापा प्लीज आप कुछ कीजिए, उन्हें रोकिए ना। तूने ना जाने हमारे परिवार के कितने लोगों को मौत के घाट उतारा होगा। भैया भैया आप चाचा को रोकिए ना। तुझे मारने के बाद मैं तेरे बाप को कुत्ते की मौत मारूंगा। अगर मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए भी पुराना जय बन गया ना, तो इस गांव का कोई शख्स जिंदा नहीं बचेगा। तूने मेरी मां को मारा, लेकिन फिर भी मैं तेरे परिवार के पास प्यार की सौगात लाया।
मुझे मेरे पापा से अलग किया, मेरे प्यार से अलग किया, फिर भी मैं तेरे पास प्यार लेकर आया। लेकिन कब तक लोग तेरी वजह से आंसू बहाएंगे? मैंने अपने बदले की आग बुझा के उस गांव को छोड़ा ताकि वहां शांति रहे, लेकिन तू ये नहीं चाहता। अगर मैंने तलवार उठाई तो खून की नदियां बह जाएंगी, आखिर में सिर्फ तलवार बचेगी, इंसान नहीं। ये सब छोड़ो और प्यार करो। प्यार दोगे तभी तो तुम्हें प्यार मिलेगा। अब भी अगर तुझे लगता है कि मुझे मारने से दुश्मनी खत्म हो जाएगी तो चला तलवार। माधव, यह हमारा आदमी नहीं है ना, यह हमारा दुश्मन है। यह तो हमें मारने आया था, फिर इसने तेरी जान उस वक्त क्यों बचाई जब देवा के आदमी तुझे जान से मार डालने के लिए आए थे? आज तक सारा गांव इस घर के लोगों से डरता आया है, उनसे खौफ खाता आया है। कभी कोई ऐसा इंसान देखा जो डर के मारे नहीं बल्कि प्यार से हमारी इज्जत करता हो? दुश्मन का बेटा होते हुए भी इसने हमारी इज्जत की, इसके लिए इसे मार डालें? आपने सही कहा, जय हमारा दुश्मन है फिर भी हमारे साथ रहा। इसे ना तो हमारी जान चाहिए, ना प्रॉपर्टी, ना ही कुछ और। इसे तो कुछ और चाहिए, प्यार चाहिए इसे। क्या हम खुद को बदल कर इसे प्यार नहीं दे सकते? दुश्मन के घर में रहने के बावजूद ये समझौता चाहता है, ये सच में महान है, अमन का फरिश्ता है। ये हम जैसे नासमझों को प्यार की राह पे चलना सिखाएगा, प्यार की राह पे चलना सिखाएगा। सिर्फ उस गांव में नहीं, इस गांव में भी एक मर्द है। ये क्या कर रहे हैं पापा? जो सपना मैंने देखा था, तुमने आज उस सपने को सच करके दिखा दिया। तूने वो कर दिया जो इतने सालों में मैं नहीं कर पाया। मुझे तुझ पे नाज है। मैंने तो ये सोचा था कि अगर हम लड़ना बंद करें तो ये भी लड़ाई से बाज आ जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। इंसान को बदलना पड़ता है जो तूने कर दिखाया। हर इंसान के मन में प्रेम होता है, बस उसे जगाने वाला चाहिए। ये तूने सिखाया हमें। पापा ये क्या बोल रहे हैं आप? तेरा प्यार तेरी राह देख रहा है, अब उसे और इंतजार मत करवा, जा मिल ले।
अब भी लड़के वालों को भगाने के फिराक में हो क्या? ज्यादा ड्रामा मत करो, जल्दी बोलो मुझसे शादी करोगी? अरे